लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू काजल बिटिया को लेकर जा कहाँ रही है। मैं आपकी नन्ही मुन्नी काजल बिटिया को ऊटी लेकर जा रही हूँ। ऊटी? ये ऊटी जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? वो इसलिए कि मेरे डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं और इस वक्त मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और चाचा जी, आपकी इन बातों में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। काजल तू क्या करिए यार, जल्दी कर, डांस कर रही है, पैकिंग करती जा रही है तू, जल्दी कर यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय चाचा जी, चाचा जी, सी यू, बाय। अरे संभल के जाना काजल बेटी, अपना ख्याल रखना। उठी गई है ना, होनोलुलु तो नहीं? तू फिक्र मत कर, मैं अजय को फौरन ऊटी भेज देता हूँ। एक मिनट, एक तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, उसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ऊटी जाऊं लड़की देखने। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये शादी करवा के रहूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने बाप की नाफरमानी करता है वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई है, जिसने खुद गधा बनकर है, मेरा मतलब है घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। अरे ऐसे बाप की तो पूजा करनी चाहिए, पूजा। अबे तू नहीं जानता मेरे बाप को। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। हाँ। तेरा बाप जलील हो सकता है, कमीना हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। अजय तू चुपचाप अपने बाप की बात मान। हाँ। और जाने की तैयारी कर। चलो यार तू बात समझ। अंकल आप बूटी का टिकट बुक कराइए। क्यों? क्योंकि मैं साथ जाऊंगा। किस लिए? अरे अगर एयरपोर्ट से भाग गया तो कोई होना चाहिए पकड़ने के लिए। करेक्ट, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। डैडी मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले तू जानता है मैं काजल से प्यार करता हूँ और तू? अबे रुक यार, मैं तुझे बचाने आया हूँ साला, तू मेरे को ही मार रहा है। ये बचाने आया है? अरे मेरी बात तो सुन, जिस लड़की के साथ तेरे बाप ने तेरी शादी तय की है वो वही फूलन देवी है, शॉपिंग मार्केट वाली। तो उससे मिलने मैं वहां क्यों जाऊं? अरे तेरी काजल भी उसी के साथ उठी गई है। अच्छा? हाँ। तू काजल के साथ इश्क लड़ाना और मैं उस छिपकली की दुम खींचूंगा। वाओ। माय डैड, मेरे हजार मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु, वो आ रहे तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। क्या डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चला जाए, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी आया साथ में। यार हद हो गई शराफत की, उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। ओहो, तो आप हैं गुले गुलजार, मौसम है बहार, चेहरे पर है गुस्सा, दिल में है प्यार, आ गले लग जा मेरे यार। अजय क्या नाटक है ये सब? अभी चुप रहो, सब बाद में बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है? गले लग जा मैनू कुड़िये। अरे ठंड पै गई कले जमी तेनू चप्पी पाके यार। लाइफ सेट हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। अच्छा, घर चल के देख लेना। चले चले चलो। अरे चलिए राजा। वेलकम शाह, वेलकम वेलकम। बहादुर साहब लोगों को ऊपर पहुंचा दो। नहीं मेरा मतलब है ऊपर पहाड़ वाले घर पे पहुंचा दो। आप लोग चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे। आइए साहब, आइए। मैं भी उनके साथ जाऊं? चुप कर, तू मेरे साथ चलेगी। बहादुर जी साहब, हमको ऊटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? वो साहब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा साहब। बंदर साला, ये तो जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। जी साहब, वो मेरा जोरू का वो बोला भाई है, मैं कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करे ना, इसीलिए साहब 24 घंटा मेरे पे नजर रखता है। चल आगे जाके बैठ। सारा पीछे बैठ जा, बैठे साहब, बैठे। चल जा बच्चू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। ड्राइवर साहब, आगे किसी फूल की दुकान पर गाड़ी रोक देना, मुझे अपनी महबूबा के लिए फूल खरीदने हैं। गाड़ी तो नहीं रुक सकती साहब। क्यों, गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा, ब्रेक ब्रेक नहीं, नहीं, है। नहीं है क्या? ब्रेक नहीं है तो हम उतरेंगे कैसे? हम बता दें साहब। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, वापस आइए। टाटा साहब। Thank you.
जान बचा ली यार। अरे तू बंदर नहीं, भगवान है भगवान। इंजन मिसफायर क्या कर रही है? मिसफायर नहीं, कोई ठोकता है, धक्का धक ठोकता है। अरे तू देखना देखना कौन है पीछे। अरे गाड़ी में डराम। अरे बेली बेली नियर, ये तो मुआ वही लड़का है जो बाथरूम में मेरी को इज्जत लूटने को आया था। अरे हटो। अरे तू डर मत डर मत डर मत शिरीन, वो तेरा रेप होने से पहले उसको मेरा रेप करना पड़ेगा। अरे भाग जा किले मच्छर की औलाद, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बहादुर इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मेम साहब, वो तो छोकरा है ना मेम साहब, वो लोग एक्सीडेंट होकर मर गया मेम साहब। क्या मर गया? ठीक है, तुम अपने कॉटेज में जाके सो जाओ। नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाएगा मेम साहब, मैं इधर ही सोएगा। क्यों? क्या है मेम साहब, जो लोग पहाड़ से गिर के मरता है ना मेम साहब, वो लोग भूत बन जाता है। उसका आत्मा जो है ना मेम साहब, इधर उधर भटकता रहता है। हमको मुझसे बहुत डर लगता है मेम साहब, बहुत डर लगता है। हमको इधर ही सोना था मेम साहब, प्लीज मेम साहब। तुम यही बस हो जाओ। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। हे भगवान। Thank you.
की नींद सुला दिया है, अब तेरी बारी है। आजा। आपने हमको गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए 1000 रुपया दिया था ना मेम साहब, और ये साहब हमको ये नाटक करने के लिए 2000 रुपया दिया मेम साहब। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मधु मधु मधु, समझती क्या हो तुम अपने आप को? सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया, तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? उसने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? हा? बिना ब्रेक की गाड़ी में बिठा दिया। वो अपाहिज हो सकते थे, मर सकते थे अगर वो वक्त पे गाड़ी से कूद न जाते। अगर तुम में मजाक सहने की हिम्मत नहीं है तो मजाक किया भी मत करो। हाँ,